हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम वट। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज़ डीएनए। जो डीएनए होता है वो हमने जब आप देखेंगे ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी या ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस, तो उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये टॉपिक आता है डीएनए। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है कि जब तक आप डीएनए के स्ट्रक्चर को और डीएनए को नहीं समझेंगे, तब तक इसके आगे की प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रोसेस, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। आगे की प्रोसेसेस में जैसे डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी प्रोसेस समझने के लिए हमको डीएनए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग एक आसान टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है डीएनए और इसका स्ट्रक्चर। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन, क्या थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो न्यूक्लिक एसिड हम समझेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है, एक एक पॉइंट पर बात करते करते हम लोग न्यूक्लिक एसिड तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग डीएनए के जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। तो व्हाट इज़ डीएनए, अगर हम देखेंगे तो डीएनए का, जैसे आपको सभी को फुल फॉर्म पता होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग इसी पूरे टर्म को ब्रेक डाउन करके डीएनए की डेफिनेशन या डीएनए के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो टर्म है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। इस टर्म को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहां से करिए, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए, डीऑक्सी राइबोज को समझने की कोशिश करिए। जब आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग शुगर पढ़ते हैं, ठीक है। शुगर में एक टाइप का शुगर है जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आपने एक टर्म पढ़ा होगा राइबोज, ठीक है, राइबोज शुगर उसका एग्जांपल है पेंटोज शुगर का। तो पेंटोज का मतलब 5 कार्बन शुगर। अब अगर हम लोग राइबोज शुगर को देखें तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सॉरी, देखिए इसको HOH, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है शुगर का। अब आप इसमें से ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पर दो OH है, यहाँ पर दो OH है, और आप कार्बन को देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, तो ये पेंटोज शुगर हुई। अब अगर इसमें से एक ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, तो ये शुगर कन्वर्ट होती है, ये है राइबोस शुगर जो कि आरएनए में होती है, इसलिए उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और जब इसमें से एक ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, एक ऑक्सीजन निकलता है, तो ये शुगर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर एच एच हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब ये हो जाएगा तब ये शुगर बनती है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो ये शुगर है, इसका जो पहला पार्ट है डीएनए के फुल फॉर्म का, डीऑक्सीराइबोज, इट मींस द शुगर, ठीक है। तो शुगर पार्ट इज डीऑक्सीराइबोज, दैट इज पेंटोज शुगर। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट है इसका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, तो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड भी आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एक तरीके का बायोमोलिक्यूल्स है जो हम लोग के जो ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। अब न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट में, तो वो 2 तरीके का है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक है न्यूक्लियोटाइड।
ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप सबको पता होगी, फिर भी रिवीजन के लिए, जिससे हम लोग समझ पाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर लिखा हुआ है, ठीक है, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके, ये दोनों चीजें मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं, ठीक है। अब पेंटोज शुगर हम आपने बता दिया कौन सी, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर, उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया गया। अब बात आती है नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस आप सबको याद होगा, दो तरीके के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं जिनको बोलते हैं प्यूरीन्स, एक को पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन ये आते हैं, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये आते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। ठीक, ध्यान दीजिए कितने नाइट्रोजनस बेस हो गए, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए, जिसमें दो प्यूरीन्स हैं, तीन पिरिमिडीन्स हैं। लेकिन किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, चाहे वो डीएनए है चाहे आरएनए है, उसमें चार ही नाइट्रोजन बेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में इन्वॉल्व होंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। और अगर आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, थायमिन की जगह यूरेसिल इन्वॉल्व होगा। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो यूरेसिल है वो लेस स्टेबल होता है। जब पहले जेनेटिक मटेरियल, हमको सबको पता है कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल जो इवॉल्व हुआ है वो आरएनए है, इसके बाद आरएनए से धीरे धीरे इवॉल्व होते होते डीएनए बना है, ठीक है। तो आरएनए लेस स्टेबल है डीएनए से, इस यूरेसिल की प्रेजेंस है उसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए थायमिन यूरेसिल को रिप्लेस करता है। स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, जिससे रैपिड म्यूटेशन ना हो, एक जो स्पीसीज की जो सर्वाइवल है उसको एक तरीके से सस्टेन करने के लिए ऐसा हुआ, ऐसा इवोल्यूशन में हुआ। जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको। तो ये हो गए हम लोग के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हमने पहले स्लाइड में रखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब आप देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, यानी ये हो गए पायरिमिडीन्स और ये हो गए प्यूरीन्स। स्ट्रक्चर वाइज जो प्यूरीन्स हैं, यहाँ पर देखिए ये हैं प्यूरीन्स, ये पेंटोज शुगर है, अभी इसको अभी कुछ देर के लिए बोलिए, ठीक है। ये प्यूरीन्स, ये प्यूरीन्स है, ये पायरिमिडीन्स है, ये पार्ट जो इसका है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो जो प्यूरीन्स हैं, जैसे ग्वानिन और एडेनिन, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, इनमें दो रिंग है, ठीक है। एक रिंग ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग, जो ये है। आप इस रिंग को देखिए और इस रिंग को देखिए, आपको लगेगा कि सिमिलर है एक तरीके से, ये वाली। और एक ये रिंग है, इसको बोलते हैं एमिडोजाल रिंग, एमिडोजाल रिंग, ठीक है। और पायरिमिडीन्स में फिर सिर्फ पायरिमिडीन रिंग है। इसमें कितने कार्बन, तो चार कार्बन और दो नाइट्रोजन रिंग के अंदर। आप रिंग के अंदर देखिए दो नाइट्रोजन है, ठीक है, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन है, फोर कार्बन एंड टू नाइट्रोजन, ये बनाते हैं पायरिमिडीन रिंग। और ये पायरिमिडीन के बाद जो एमिडोजोल रिंग है, उसमें आप कार्बन गिनेंगे, एक दो तीन कार्बन और दो नाइट्रोजन, ये एमिडोजोल रिंग बनाती है, ठीक। तो जो प्यूरीन्स होते हैं उनमें दो रिंग होती है, एक पायरिमिडीन रिंग और एक एमिडोजोल रिंग। पायरिमिडीन रिंग जो होती है उसके अंदर चार कार्बन और दो, रिंग के अंदर चार कार्बन और दो नाइट्रोजन होते हैं, और जो एमिडोजोल रिंग होती है उसमें तीन कार्बन और दो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोसाइट की, नाइट्रोजनस बेस की, सॉरी। तो नाइट्रोजनस बेस ही हो गया। अब हम लोग फिर वापस आते हैं न्यूक्लियोसाइट पे। तो न्यूक्लियोसाइट क्या होता है, जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस हुआ। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, एक नया चीज, फॉस्फेट।
जब फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस स्ट्रक्चर पे, अब हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, आप सब हम साफ कर देते हैं जिससे आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखे। आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर में जो यहां पर डी आर या आर लिखा है वो हमारी पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ठीक है, आप देखिए राइबोज भी सारे तरीके में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें डीऑक्सीराइबोज ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर जो राइबोज है वो यूरेसिल से राइबोज है क्योंकि वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। अब आप देखेंगे यहां पे स्ट्रक्चर, एक किसी भी स्ट्रक्चर को, हम एक स्ट्रक्चर इसको उठा लेते हैं, ग्वानिन का या एडेनिन का, कोई भी स्ट्रक्चर आप उठा सकते हैं। देखिए ये है आपकी शुगर, ठीक है, शुगर कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन। अब कार्बन की जब रैंकिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये है 5वां कार्बन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये इसका जो फर्स्ट कार्बन है, ये जब इसकी रैंकिंग करेंगे यहां से 1, 2, तो यहां पर आप 1, 2 से आएगा तो यहां पर 9th जो नंबर आएगा वो नाइट्रोजन का आएगा, तो इसके 9th नंबर पे फर्स्ट कार्बन 9th नंबर पे जाके जुड़ेगा एडेनिन के। ठीक है, या एडेनिन या ग्वानिन के, यानी प्यूरिन्स के। तो ये बॉन्ड जो होता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस पे। ठीक, अब देखिए यहां पर ये यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जब ये न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है, कहां पर, 5वें कार्बन पे, एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है शुगर के 5वें कार्बन से, एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है, तब ये बन जाता है पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और एक बॉन्ड तो यहां हमने देखा जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो दूसरा बॉन्ड है जो कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के साथ है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह सेम एडेनिन में भी देखिए आप, यहां पर ये बॉन्ड से यहां पर पहले कार्बन और 5वें कार्बन से जुड़ेगा। अब आप यहां पर देखें इसके सिंपल स्ट्रक्चर, यहां पर इसके फर्स्ट नाइट्रोजन से इसका फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा और इसके फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तब ये बनेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया यहां पर एडेनोसिन, यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 5 तरीके के हो गए। लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल में 4 ही जाएंगे, डीएनए में कौन सा जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये 5, तो हमको ये, हमने ये देख लिया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। आई होप ये बात समझ में आ गई हो आप लोग को। तो हमने अभी तक शुरू किया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म से आपको इसका जो डिफिनीशन है, उसको आप निकाल सकते हैं कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें न्यूक्लियोटाइड है उसमें कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 तरह के न्यूक्लिक एसिड इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, तो ये बेसिक बात हो गई डीएनए की। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, डीएनए कहाँ मिलता है, अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन डीएनए हमको ह्यूमन सेल में 2 जगह मिलता है। ठीक है, ह्यूमन सेल या प्लांट सेल में 2 जगह देखने को मिलेगा। एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, इस पर स्टार लगा है, वो अभी आपको बताते हैं क्यों, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ठीक, न्यूक्लियर डीएनए का मतलब जो हम लोग का मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर होता है,
जब न्यूक्लियस जब सेल रेस्टिंग फेज पे होते हैं या डिवीजन नहीं होने वाला होता तो ये एक तरीके से क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में रहता है ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के अंदर, और जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तब ये क्रोमोसोमल फॉर्म में आ जाता है कंडेंस्ड होके, ठीक है। जब हम लोग डीएनए की बाइंडिंग देखेंगे कैसे होती है हिस्टोन के साथ, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे बाइंड होके होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो एनिमल्स है उनमें एक ऑर्गेनेल होता है, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, जिसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया, और प्लांट्स में प्लास्टिड और माइटोकांड्रिया दोनों। इसमें खुद का अपना एक डीएनए होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना डीएनए है, और सेल का अपना डीएनए जो मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये डीएनए यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सेल विद इन अ सेल, सेल के अंदर जो सेल होती है, मतलब ऐसा इसको बोला जाता है, ये रेफरेंस दिया जाता है इसको, क्योंकि इवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि जब किसी एनिमल सेल के अंदर कोई बैक्टीरियल सेल घुस गई, उसके अंदर उसका इंसर्जन हुआ, तो वो बैक्टीरियल सेल माइटोकॉन्ड्रिया बनाई, और जब किसी प्लांट सेल के अंदर कोई ब्लू ग्रीन एल्गी वाला सेल घुस गई तो वो एक तरीके से ये बनाया गया कि प्लास्टिड बनाया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इस तरह का एवोल्यूशन है, सेल विद इन अ सेल बोलते हैं इसको, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो ये हो गया डीएनए, उसकी लोकेशन, उसके डीएनए कैसे बना, क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें, तो ये डीएनए का एक पार्ट हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग का देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। तो शुरुआत में जब तक नहीं पता था तब तक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लीन ये सब नाम दिया गया, लेकिन जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की डिस्कवरी हुई उसके बाद उसमें देखा गया, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने देखा सबसे पहले, फिर वॉटसन एंड क्रिक ने देखा, तो वॉटसन एंड क्रिक ने फाइनली डीएनए का एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1963 के आसपास शायद, तो इस चीज के लिए तो इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट किया। अब डबल हेलिकल मॉडल का इन लोग का जो प्रेजेंटेशन है और इसके बारे में जो इन्होंने बताया वो आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज डबल हेलिक्स और ऐसा क्यों नाम पड़ा इसको डबल हेलिक्स। आप यहां पर मॉडल देख रहे होंगे सॉरी, तो इन्होंने बताया कि जो डीएनए है उसमें दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको ये दिख रहे हैं दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, यानी डीएनए के फ्रेम को बनाते हैं, ठीक। सपोज करिए ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड ऐसे, और ये पहले तो लैडर की तरह, और लैडर को ट्विस्ट कर देंगे आप जब, तो वैसा होता है, उसी को बोलते हैं हेलिक्स, ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखिए इसको आप सीधा करेंगे तो एक लैडर की तरह दिखेगा, लेकिन जब ये ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड फॉर्म में, इसलिए हेलिक्स की तरह दिख रहा है ये, ठीक। ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इस जो रिबन है इसमें बेसिकली प्रेजेंट है शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट की जो एक रिबन है या एक चेन है, इनकी बॉन्डिंग की एक चेन है, ये जुड़ेंगे अभी हम आगे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये बनाते हैं डीएनए का बैकबोन, यानी जिसको बोलते हैं ये चेन, ये रिबन, ठीक है। इस रिबन के बीच में यहां पर नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस की वजह से यहां पर नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ठीक है। तो जो लैडर है, जो स्टेप्स हैं, लैडर की स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कौन बना रहा है, वो स्टेप्स बना रहे हैं नाइट्रोजनस बेस जिनमें बॉन्डिंग हो रही है। अब बॉन्डिंग का तरीका अब देखिए, जो इन्होंने बताया बॉन्डिंग के लिए, जो एडेनिन है वो साइटोसिन सॉरी थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन, यानी ऐसे जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इससे जुड़ेगा। अब देखिए इन्हीं से जुड़ेगा, यानी एक प्यूरीन
एक पिरिमिडीन से जुड़ सकता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो आप समझने की कोशिश की, इसके जो दो तीन टर्म्स हैं वो यहीं पर हैं। पहला जो टर्म है आपने अभी समझा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कोई एडेनिन, सॉरी कोई प्यूरीन, वो कोई भी प्यूरीन हो, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन, कोई भी प्यूरीन, ये पायरिमिडीन के साथ ही या पायरिमिडीन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब प्यूरीन की बॉन्डिंग पिरिमिडीन के साथ, कभी भी प्यूरीन प्यूरीन के साथ नहीं जुड़ेगा, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ नहीं जुड़ेगा, जब भी प्यूरीन जुड़ेगा तो वो पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एडेनिन और ग्वानिन ये हो गए प्यूरिन, ये जुड़ेंगे साइटोसिन, सॉरी यहां पे नहीं, साइटोसिन और थाइमिन से। तो एडेनिन जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा थाइमिन से और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से। एडेनिन थायमिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्ड होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सारी बॉन्डिंग सभी हम लोग देखेंगे नीचे जब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। अब हम लोग ये देख लेते हैं। अब एक चीज और इन्होंने बताया, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, चलिए उस चीज को हम लोग अभी देखते हैं नीचे वाले में, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। हम लोग इसमें कुछ इसकी डायमेंशन जो इन्होंने बताई वो देखेंगे। इन्होंने बताया जो एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स आप देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो जो एक हेलिक्स का लेंथ है वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक हेलिक्स की। और एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे नाइट्रोजन के। तो अगर हम देखेंगे कि इन वन हेलिक्स 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर आर प्रेजेंट, तो अगर दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक हेलिक्स में 10, ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो 10 रहेंगे, यहाँ तक हेलिक्स है। अगर ये डायग्राम एक्यूरेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 यहाँ से यहाँ तक का 10, 10 बेस पेयरिंग होगी इसमें, ठीक है। बेस पेयरिंग होगी कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की जो रूल्स हैं उसके हिसाब से कि प्यूरीन पिरिमिडीन से जुड़ेगा, ठीक। इसका जो डायमीटर है यानी इसकी जो विड्थ है वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी इसका डायमीटर है, तो यानी जो बीच का है वो 10 है, ठीक है। एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के बीच होगी डबल बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में होगी ट्रिपल बॉन्डिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपको आई होप कि ये डबल हेलिकल जो मॉडल है ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शनैलिटी का, ठीक है, वो हम लोग अभी देखते हैं डायरेक्शनैलिटी का, हम अभी यहाँ पर नहीं बता रहे जिससे आपको समझ में आ जाए, इसमें मेंशन भी नहीं है, तो आगे आप देखते हैं इसको समझ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो ये डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने प्रेजेंट किया था। अब डबल हेलिकल मॉडल को हम लोग केमिकली केमिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा है ग्वानिन, इसको स्टेप लैडर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो है शुगर फॉस्फेट स्ट्रिप है, और इसके बाद यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस का बॉन्डिंग है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए एक जगह लिखा है 3, एक जगह लिखा है 5, थर्ड एंड और फिफ्थ एंड, और सेम अपोजिट में फिफ्थ एंड और थर्ड एंड, इसी को बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी या एंटी पैरेलल नेचर। नेचर इन डायरेक्शन, डायरेक्शनैलिटी इसकी कैसी होती है, एंटी पैरेलल, डायरेक्शनैलिटी इसकी एंटी पैरेलल होगी। क्यों होती है एंटी पैरेलल वो हम लोग आगे भी देखते हैं कैसे होती है, लेकिन ये होगा कि सबसे पहला जो रूल है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, और दूसरा जो रूल है वो होगा एंटी पैरेलल, जो एंटी पैरेलल इसमें जो दोनों शुगर फॉस्फेट का जो स्ट्रिप है वो एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है।
अब एंटी पैरेलल कैसे हैं आप देखिए, यहाँ पर बॉन्डिंग बिटवीन हेलिक्स में आप ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म का यानी एक केमिकल जो बॉन्डिंग है उसके बीच में दिखाई जा रही है। आप ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये है हम लोग का शुगर, सब पहचान रहे होंगे, ये शुगर, ये फॉस्फेट। ठीक, हमने जब बॉन्डिंग दिखाई थी तो बताया था फिफ्थ कार्बन से जो है यहाँ पर जुड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ से फिफ्थ एंड, इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जाके यहाँ पर जुड़ेगा इसके थर्ड से, इसका ओ यहाँ से थर्ड से जुड़ेगा, और जब इसका समझिए यहाँ पर अगर टर्मिनेट हो रहा है ये, तो ये फिफ्थ एंड इसका फ्री है। ठीक, तो इसीलिए इसको फिफ्थ एंड बोलते हैं, क्योंकि इसका फिफ्थ एंड फ्री है। आप यहां समझने की कोशिश करिए, इसका फिफ्थ एंड, ये है शुगर हम लोग का, और इस शुगर से देखिए, इस शुगर की जो फिफ्थ, ये फिफ्थ, इसका जो फिफ्थ कार्बन है वो जुड़ रहा है फॉस्फेट से। ठीक है, तो जब ये मान लीजिए यहां पर एंड होता है इस चेन की, तो ये फिफ्थ एंड जो है फ्री रहेगा ऊपर का। ठीक, फिफ्थ एंड फ्री रहेगा। इसके बाद अब आप नीचे देखिए, यहां पर जो नीचे वाला फॉस्फेट का ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है इसके थर्ड कार्बन से। अब नीचे जब जाएंगे, मान लीजिए यहां पर एंड होती है चेन, तो इसका जो थर्ड एंड है वो फ्री रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्ड एंड और फिफ्थ एंड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है तो एक यहां पर थर्ड फिफ्थ से थर्ड गया तो दूसरा थर्ड से फिफ्थ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे आप एकदम रिवर्स है पूरी, ये एंटी पैरेलल नेचर होगा, एकदम रिवर्स है। यहां पर आप देखिए, इसका थर्ड एंड यहां पर, थर्ड एंड नीचे, इसका थर्ड एंड ऊपर है। आप इसको पलट के देखेंगे तो ये आपको वैसा दिखेगा। तो आप देखिए यहां पर एकदम उल्टा जा रहा है यहां पर, तो ये हो गया इसका शुगर, इसका थर्ड एंड इधर फ्री है, सारी बॉन्डिंग सेम है, बस एंड कौन सा फ्री है उस हिसाब से नेमिंग होती है। इसी को बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी, एंटी पैरेलल नेचर बोलते हैं। तो एंटी पैरेलल नेचर आप लोग यहां पर समझ रहे हैं, इसका थर्ड एंड इधर फ्री है, सेम चीज वहीं पर बस पलट के है। ठीक, अब बॉन्डिंग देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक प्यूरीन है, एक पैरिमिडीन है। ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, ये एडनीन है, ये थायमीन है। ठीक, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही है। इसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। हमने स्ट्रक्चर देखा था तो इसमें थ्री फ्री एंड है, तीन जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पर दो जगह से हो रही है, तो दो जगह से हो सकती है ऐसा। ठीक है, तो आपको आई होप इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर में जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि दोनों जो बेस पेयर है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होने चाहिए, जो बेस पेयरिंग हो रही है, और दूसरा जो दोनों स्ट्रिप हैं या दोनों रिबन्स हैं शुगर फॉस्फेट की, वो एंटी पैरेलल नेचर है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल नेचर इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्डिंग है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है वो एंटी पैरेलल फॉर्म में हो रही है। एक अगर फिफ्थ एंड से शुरू होती है और थर्ड एंड तक जाती है, तो जो दूसरी साइड की है वो इधर से फिफ्थ एंड से शुरू है, इधर थर्ड है। समझ गए बात आप लोग, इसको आप ध्यान से, ये बस इंपॉर्टेंट है इसमें कि फिफ्थ एंड से थर्ड एंड और इधर थर्ड एंड से फिफ्थ एंड, इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर, इसी को बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी। तो डायरेक्शनैलिटी एंटी पैरेलल होगी, बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होगी। ठीक, ये दो चीजें ध्यान रखेंगे आप। इसकी बैकबोन किसको बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आप लोग को इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि इसकी जो बैकबोन किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बैकबोन बोलते हैं शुगर फॉस्फेट का जो वो है चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में तो ये भी आता है, ये नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है इसी को बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक, तो ये हो गया आपका डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी। ठीक, इसके बाद आप लोग एक और चीज़ जो इन्होंने बताया कि कैसे बेस पेयरिंग, इसमें दो रूल्स हैं, एक होता है शेयर गैप्स इक्विवेलेंसी रूल और एक है बेस रेशियो रूल। ठीक, तो दोनों रूल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे शेयर गैप का इक्विवेलेंसी रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग प्यूरीन
इज इक्वल टू पायरिमिडिन, यानी किसी एक डीएनए में या किसी एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए में अगर डबल हेलिकल डीएनए मॉडल है तो उसमें जो प्यूरीन का नंबर है, प्यूरीन का कंटेंट है, वो पायरिमिडिन के बराबर होगा नंबर्स में, ठीक है। इसका मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक। ये अगर इसको मैं ऐसे देखें, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी भी एक स्पीसीज के लिए जो शायर-गैफ का इक्विवेलेंसी रूल है वो ये बताता है किसी भी एक किस बेस पेयरिंग का जो रेशियो है, बेस पेयर का जो रेशियो है, ठीक है, मतलब प्यूरीन और पायरिमिडिन का जो रेशियो है नाइट्रोजनस बेसिस का, वो किसी भी स्पीसीज के लिए कॉन्स्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ये कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो यही हो गया शायर-गैफ का रूल। और एक और चीज जो हम लोग को पढ़नी है वो है बेस रेशियो। बेस रेशियो, बेस रेशियो का क्या मतलब है, जैसे बेस पेयरिंग किसकी होती है, एडेनिन प्लस थायमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ठीक, ये उसको बोलते हैं बेस रेशियो। अब बेस रेशियो का, बेस रेशियो क्यों है, इसका क्या बताता है कि जब इसको स्टडी किया गया तो देखा गया जो यूकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में एडेनिन और थायमिन ज्यादा होता है, एडेनिन एंड थायमिन की जो बेस पेयरिंग है वो ज्यादा होगी। सो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम लोग को दो रूल पढ़ने हैं यहां पे, एक शायर-गैफ रूल और एक बेस रेशियो, ठीक है, एक बेस रेशियो और एक शायर-गैफ का इक्विवेलेंसी रूल। तो जो शायर-गैफ का इक्विवेलेंसी रूल है वो हमको क्या बताता है, वो बताता है कि किसी भी एक स्पीसीज के लिए जो प्यूरिन्स है वो किसी डीएनए में पायरिमिडिन्स के बराबर होंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स के बराबर होंगी, ठीक है, बेस पेयरिंग की बात नहीं हो रही है, प्यूरिन्स यानी एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये बराबर होंगे, साइटोसिन और थायमिन ये बराबर होंगे, ठीक है। आप बेस रेशियो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि बेस रेशियो भी हम बताएंगे, उन दोनों में आप अंतर समझिएगा, क्योंकि इसमें प्यूरिन्स बराबर होना पायरिमिडिन के, यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी भी एक स्पीसीज के लिए ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ठीक है। यानी जो शायर-गैफ रूल है उस पर यह बताता है कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन का रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन का, ध्यान देंगे क्योंकि अभी बेस रेशियो में आप हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का। अब हम लोग बेस रेशियो देखते हैं इसी के बीच, जिससे आप लोग समझ जाए बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या कहता है कि जो बेस रेशियो का वो है एडेनिन प्लस थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का, जो बेस रेशियो है वो बेस पेयरिंग जो है उसका रेशियो है, इसका रेशियो, ठीक है। अब इसका रेशियो जब हम लोग जब देखा गया, स्टडी किया गया, तो जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें इसका रेशियो ग्रेटर देन वन आया, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें लेस देन वन आया, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में ग्रेटर देन वन आया और प्रोकैरियोटिक में लेस देन वन आया। तो इससे क्या मतलब निकाला गया कि जो यूकैरियोटिक है उसमें ए प्लस टी की जो शेयरिंग है इसमें रेशियो में वो ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा होगा तभी ये जब इससे डिवाइड होगा तो एक से ज्यादा आएगा, और प्रोकैरियोटिक में जी प्लस सी का जो रेशियो है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये एक से कम आ रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी जी सी ग्वानिन और साइटोसिन रेशियो वाला रिच होगा, ये रिच, अगर ये रिच है तो इसका इस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा,
यानी अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन से डीएनए का, यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए या यूकैरियोटिक डीएनए में मेल्टिंग पॉइंट अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए का ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? जी सी रिचनेस, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयरिंग रिचनेस, ठीक है, इससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का शेरगैफ रूल और पेच रेशियो। शेरगैफ रूल में जो प्यूरिन्स है वो पिरिमिडिन्स के बराबर है, यानी जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का है, और बेस रेशियो में हम लोग जो बेस शेयरिंग हो रही है यानी बेस पेयरिंग हो रही है जो, वो उसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। तो इस छोटे से वीडियो में हमने पढ़ा डीएनए और उसका स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल नेचर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर क्या होता है, ये सारे नेचर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक। तो एक छोटा सा वीडियो था, कुछ कुछ आई होप इसमें आपने कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एग्ज़ाम वट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम वट के जो पीजी और यूजी का, ये दोनों, ये जो वीडियो है डीएनए का, ये आपको पीजी में इन्वायरमेंटल साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें भी आपको काम आएगा, क्योंकि उसके सिलेबस में भी है, और यूजी का जो डोमेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी का उसमें भी आपको इसका काम आएगा, क्योंकि ये दोनों सिलेबस में है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, और बाकी और जो इसके डेप्थ स्टडी है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल, इसका रिप्लिकेशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी उस लाइव क्लासेस में सीखेंगे, पढ़ेंगे, और इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस हम लोग आप लोग के लाते रहेंगे, जिससे आप डिसाइड कर सके कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एग्जाम वर्ड के टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें।